रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। लोगों को कहना है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको समझा रहा हूँ कि सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। और ये मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये रेलवे की मटेरियल है, इस पे हमारा अधिकार उतना ही केवल है कि मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल मटेरियल रेलवे का ये बनाया हुआ है और उसी पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सिलेबस को कवर करें जो 20 दिन में हो जाएगा। और लोगों की बातों में नहीं आए कि सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि यूट्यूब पे लोगों को 90% अपनी चैनल भी चलानी है, साथ में आपको अपना प्रीफेस देखना है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सुनो सबकी करो अपनी। मैं RRB सिलेक्शन में भी ये बात बताया था, किसी की बातों में नहीं आइए। सबसे पहले आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो चलिए इलेक्ट्रिशियन वाले टॉपिक को आपको समझाते चलते हैं। तो देखिए सिलेबस 68 पेज का है, ध्यान दीजिएगा 68 पेज का सिलेबस है। अगर ये आप पढ़ने जाएंगे तो आपका एक कंप्लीट सिलेबस पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ये 68 पेज को अगर आपको 20 या 15 पेज कर दूं तो क्या आप नहीं पढ़ सकते हैं? और देखिए 15 पेज कैसे करता हूं, आप इसको देखते चलिए। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट हम आंख बंद कर रहे हैं, सारा सिलेबस ये छोड़ते जाइए आप। 7 नंबर, 8 नंबर पेज, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 21 नंबर पेज क्लियर हो गया। अब यहाँ 22 शुरू हुआ, देख सकते हैं पेज नंबर 22 यहाँ से शुरू है। और आप सब जब सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ शुरू होता है आपका मेन, यहाँ भी आप देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज है, तो इसे भी आपको छोड़ देना है, इसको भी आपको देखना नहीं है, यहाँ से शुरू हो जाइए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी, और यहाँ सबसे पहले है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। उसके बाद आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सॉफ्ट स्किल है, उसके बाद आपका टूल्स जितने हैं टूल्स के रिगार्डिंग है। तो पेज नंबर 24 पढ़ना है, 23 पढ़ना है, यहाँ से देखिए पेज नंबर 23 आपको पढ़ना है, 24 पढ़ना है। और एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिला दूँ थोड़ी सी, कि यहाँ पे देखिए दो टॉपिक है, एक आपका है प्रोफेशनल नॉलेज में ट्रेड थ्योरी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, वो ट्रेड थ्योरी है। और प्रैक्टिकल को आप एकदम बिल्कुल लीव कीजिए, बिल्कुल आप राइट डायरेक्शन वाले केवल नीचे की तरफ आइएगा, और यही सिलेबस आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए पढ़ना है। तो लोगों को पता हो गया होगा कि ट्रेड थ्योरी क्या है, आपका जो ITI में आपने पढ़ा है उसी का है, और उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से पढ़ते जाना है। उसके बाद अगला सिलेबस में देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, रजिस्टर है, किरचॉफ लॉ है। उसके बाद आगे नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद बैटरी चार्जेबल सेल, उसके बाद अप्लाइड ट्रेड आपका है, फिर मैग्नेटिज्म है जिसको मैग्नेट बोलते हैं, उसके बाद आपका अल्टरनेटिव करेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको बेसिक इलेक्ट्रिक इसमें जानते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिक में जानते हैं इसे, ओम्स लॉ वगैरह सब इसी में आते हैं। उसके बाद आगे आपका अर्थिंग है, देख लीजिए अर्थिंग से भी 2-3 प्रश्न आया करता है, तो अर्थिंग भी आप देख लीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में दो टाइप है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए। उसके बाद आपका आगे आ जाएगा, फिर से यहाँ शुरू हो जाएगा, पेज नंबर 27 खत्म हो गया। उसके बाद 28 नंबर में आप आएंगे तो फिर से ट्रेड थ्योरी है, इसको आपको पढ़ना है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहीं से प्रश्न आया करते हैं, अगर आपको 10% प्रश्न आपको छोड़ना है तब, और कम समय में करना है तब। उसके बाद DC मशीन है, तो DC मशीन में मोटर और जनरेटर दोनों आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें और मोटर जनरेटर है, DC मोटर है, DC जनरेटर सब कुछ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें वोल्टेज करंट मेजर करने के लिए, पावर मेजर करने के लिए जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परमानेंट कॉइल, परमानेंट आपका आयरन कोर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, जो भी है इसके सारा आपको इसमें मिल जाएगा, उसको आपको रीडिंग करते जाना है। और आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा तो सारा टॉपिक आपको एक एक करके आते जाएगा। और यहाँ पे फिर अगला आता है पेज नंबर में 3 पेज इंडक्शन मोटर, तो इसे भी देख लीजिए, सिंगल पेज इंडक्शन मोटर है, अल्टरनेटर है, और कह सकते हैं कि इस तरह से आगे सिलेबस है, ट्रांसफार्मर है, मशीन कैबिनेट कंट्रोल लेआउट है, और कहें तो आपका बेसिक
एप्लियंस है, घरों में लगने वाले डोमेस्टिक कैटल, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह, इमर्सन रड वगैरह, पावर जनरेशन तीनों टाइप के, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर आपका है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल में सोलर सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, वाइंड एनर्जी से भी एक आध दो प्रश्न आ जाता है। तो ये सब टॉपिक है, सोलर है, वाइंड है, गैस है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और अंडरग्राउंड केबल, तो हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सब स्टेशन है, सर्किट ब्रेकर है, बेसिक लाइन है, लाइन में फॉल्ट क्या क्या आते हैं, आइसोलेटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, गियर क्या होता है, इस टाइप के टॉपिक है। और इसके करते हैं चलते हैं, तो ये हमारे पास है लास्ट 27। तो हमने पेज नंबर 27 आपको पेज नंबर 23 से शुरू करवाया था और पेज नंबर आ गए 37। तो आप इसको आप कैलकुलेट कर ले, 4 7 में तो 3 और 3 में से 2, 14 पेज का सिलेबस केवल आपको ध्यान देना है अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की बात आएगा तो इस 14 पेज में कितने प्रश्न आपके आ जाएंगे, तो 14 पेज में आपके करीब करीब 80% प्रश्न कवर हो जाएंगे। 10 से 15 या 20% कह सकते हैं प्रश्न किसी से ट्रेस नहीं होता, वो सिलेबस के 8 साइड से आते रहता है, तो उसको तो आप कवर कर भी नहीं सकते। तो आप 80% कवर कर लिए, आपको लाने हैं 35% मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि 20 दिन में सिलेबस नहीं पूरा होगा, तो आपके पास एक दिन में एक चैप्टर करने के लिए टाइम है और केवल MCQ करना है आपको। MCQ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हल करना है, तो हो सकता है, पॉसिबल है, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, पॉसिबल है। और जिनका एग्जामिनेशन 19 तारीख के बाद होगा यानी 30 नवंबर या 1 दिसंबर होगा, उनके लिए और टाइम मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी घबराने की जरूरी नहीं है, जितना हो सकता है उतना कीजिए। अगर रेलवे की तरफ से डेट बढ़ गया तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो अभी आप प्रिपरेशन पे लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।